गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। टाइम हो चुका है 10:30, नहीं ज़्यादा ही हो गया, टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं और मेरी चाय अब बन रही है और साथ में मैंने उबाले हैं आलू, बॉईल किए हैं आलू। और देसी घी ख़त्म है इसलिए पराठे तो बन नहीं सकते, तो मैं सैंडविच बनाने जा रही हूँ। ब्रेड मैंने मंगवा ली है, वो रही आ चाय गिर गई। ओफो, काम शुरू किया है मैंने आज 1:30 बजे, क्योंकि समृद्ध जस्ट अभी गया है। और देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया है, इस कमरे की हालत कभी नहीं सुधर सकती। ये देखो, ड्रॉर सेट तक तोड़ के रखा हुआ है, इसको भी सही करना पड़ेगा, बेड ठीक करना पड़ेगा। ये कपड़े धुले हुए हैं, अगर आपको लग रहा हो कि ये मैले हैं, नहीं, ये सब धुले हुए कपड़े हैं और ये दिया के कपड़े हैं जो कि यहाँ रुल रहे हैं। ये कपड़े मैं उतार लाई हूँ बाहर से और मैं बना रही हूँ आज बैंगन का भरता, क्योंकि समृद्ध के लिए आलू बॉइल्ड हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में समृद्ध की फरमाइश पे आलू के सैंडविच बनाए थे, इसलिए आलू बॉइल्ड पड़े हैं, रखे हैं, तो समृद्ध के लिए वो हो जाएंगे। अदरवाइज़ छोले चावल भी हैं, तो अगर शाम को आके वो खाएगा तो छोले चावल खा सकता है। रात के लिए मैंने सोचा है भरता जितना भी बचेगा, और आज मटर वाला भरता बनाऊँगी क्योंकि दिया को बहुत पसंद है। और रात को छोटी पीली दाल बना लूँगी। छोटी पीली दाल कौन सी होती है पता है आपको? मूंग मसूर की दाल, हम लोग उसे वेरी गुड दाल बोलते हैं। और आज मैं एक डिसीजन लेने जा रही हूँ घर के माहौल को देखते हुए, घर के कामकाज को देखते हुए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ले नहीं सकती हूँ जितनी मैं पहले कर देती थी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सब ना सबके सब, क्योंकि इन तीनों की एक पर्टिकुलर लाइफ है, वो जॉब पे जाते हैं, ये स्कूल जाता है, वो भी जॉब पे जाती है, तो इन लोगों की एक पर्टिकुलर लाइफ है। तो इन्होंने ना मुझे थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि मतलब मैं घर में हूँ तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, और अगर मैं बीमार हूँ, मुझसे नहीं उठा जा रहा है, या मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ की लेगा ही नहीं, कोई मुझसे पूछता भी नहीं है कि भाई आज तुमने ये काम नहीं किया, अभी ठीक तो हो। तो उस चीज़ को लेके मैंने आज एक डिसीजन लिया है जो कि मैं अभी इम्प्लीमेंट करने जा रही हूँ। जैसा कि मेरा कल का टाइटल था, सब कामचोर हैं। क्यों मैंने लिखा था कामचोरी का मतलब ये नहीं कि भाई काम नहीं करते, काम वो अपने हिसाब से करते हैं, अपनी ज़रूरत के। घर के कामों को वो काम नहीं समझते, मेरा काम है, वो मेरी ड्यूटी हो जाती है ऑटोमेटिकली। क्यों, क्या वो लोग घर में नहीं रहते? और ये सबके लिए बोलती हूँ मैं, जितने भी लोग एक फैमिली में रहते हैं, चाहे वो 4 लोग हों, 8 लोग हों, 10 लोग हों, 15 लोग हों, कितने भी लोग हों, अगर एक फैमिली में आप रहते हो, ठीक है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड कर रखी हैं, बट अगर एक बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर पा रहा किसी टाइम पे, मजबूरी में या किसी वजह से, तो बाकी लोगों को चाहिए कि वो आपस में मिल के वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम्प्लीट कर दें। मान लीजिए मेरे 10 काम हैं, मैं 10 काम नहीं कर पा रही और बाकी के 4 लोग हैं, अगर 2-2 काम भी सब करें तो कुछ तो निपट सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मैं तो नौकरी करके आया हूँ, मैं कुछ और नहीं करूँगा, और ये कभी कभार होता है। तो अगर आपको लगता है कि सामने वाले को आज इस चीज़ की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है काम करने में, तो वो घर आपका भी है, आपको हेल्प करना चाहिए। ये हर फैमिली का रूल होना चाहिए, हर फैमिली का। कोई एक बंदा एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं बैठा हुआ। अगर आप नौकरी पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर के काम अगर पड़े हैं तो पड़े ही रहें, दूसरे बंदे की ड्यूटी है, चाहे वो 4 दिन बिस्तर पे पड़ा है, वो 4 दिन बाद ही होंगे, ऐसे तो फिर घर नहीं चल सकता ना। और वो पेड जॉब नहीं करता, आप जहाँ जॉब करने जाते हो ना, वहाँ पे आपको सैलरी मिलती है मंथ एंड पे, और जो घर में बैठ के काम कर रहा है ना, फ्री फंड के काम कर रहा है आपके। और इसीलिए मैंने आज ये डिसीजन लिया है कि ये चीज़ मैं आज सबको नोटिफाई करवाऊँगी कि मैं अकेली नहीं हूँ जो इस घर में रहती हूँ। ठीक है, आप लोग बाहर जॉब करने जाते हो, उसका पेड होता है आपको, पर मैं जो घर में काम करती हूँ, मुझे कोई पे नहीं कर रहा, मुझे कोई मेरी ज़रूरत की चीज़ों के लिए ये नहीं बोल रहा कि ये जी आपकी एक्स्ट्रा हम घर खर्च से अलग आपको दे रहे हैं, कि आप ये घर खर्च से अलग अपने पे स्पेंड कर लो, मुझे कोई नहीं देता। मुझे सिर्फ उतने पैसे दिए जाते हैं जो घर खर्च के काम के होते हैं, तो फिर मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के बैठूँ? मेरा कौन सा पैसा कट रहा अगर मैं काम ना करूँ तो? मैं भी अपनी 2 रोटी बनाऊँगी और खा के सो जाऊँगी। बनाओ आके अपनी रोटियाँ, और जो आप पैसा दे रहे हो वो घर खर्च का पैसा दे रहे हो। घर खर्च में तो सबका खाना बनता है, सबके लिए लाइट यूज़ होती है, सबके लिए एसी यूज़ होते हैं, सबके लिए पानी यूज़ होता है, और अगर एक मेरे लिए आपको एक्स्ट्रा लग रहा है कि भाई मेरे लिए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो क्योंकि मैं कुछ कमा नहीं रही, तो मैं चौकीदारी कर रही हूँ आपके घर की यहाँ बैठ के, तब भी आपको पे करना पड़ेगा। तो आज मुझे थोड़ा सा ना इनको डंडा लगाना पड़ेगा, सबको लाइन पे लाने के लिए, बहुत ज़्यादा हो गया नहीं होगा यार? वैसे नहीं होता, नॉर्मली अगर आप ठीक ठाक हो, आप खुशी खुशी घर के काम करते हो, क्योंकि अपना घर है यार, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा?
पर जब वो आपके ऊपर थोप दिया जाता है ना कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इट मीन्स आपकी कमी है, ये काम आपका है, आपको ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी बीवी हूँ, मैं भी माँ हूँ, मैं भी घर की मालकिन हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ अपनी मर्जी से, मैं थोपवा के नहीं लूँगी, कोई मेरे पे थोप नहीं सकता। तो आज मुझे ये करना पड़ेगा, आज इन लोगों को रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि मैं भी कोई बेकार की वो नहीं हूँ कि मैं बैठी हूँ यहाँ पे फ्री फंड में। आपको गलती दिखती नहीं है, आपको कमी दिखती नहीं है, घर गंदा है तो गंदा रहने दो, जो सी चीज़ जहाँ पड़ी है पड़ी रहने दो। और मैं एक एक चीज़ पॉइंट आउट करवाती हूँ बोल बोल के, और उसके बाद फिर मैं बुरी बन जाती हूँ क्योंकि आपका तो काम ही यही है, आप सारा दिन बोलते ही रहते हो, आप सारा दिन बोलते ही रहते हो, आपको तो कलेश करने का शौक है। छोटी सी चीज़ है, पानी की बॉटल आती है, ये समृद्ध का काम है, पानी की बॉटल आती है ना, ये देखो यहाँ पड़ी है, पानी नहीं था, सारे जग खाली थे, तो कल एक बॉटल मैंने उससे यहाँ रखवा ली थी और दूसरी वो यहाँ रख गया था। मैंने कहा था ठीक है समृद्ध आके उधर पीछे रखनी है, वो रख देगा स्टैंड के ऊपर, पर मैंने नहीं बोला, इसलिए समृद्ध ने उठा के भी नहीं रखी, जबकि वो तब से लेकर अब तक कम से कम नहीं तो 6 से 7 बार अंदर बाहर कर चुका है, उसको दिखाई नहीं दी। बट नहीं, जब तक मैं बोलूँगी नहीं वो यहाँ से हटेगी नहीं बॉटल, और वो हटेगी नहीं तो मैं प्रॉपरली सफाई नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं बेड पे हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ तो झाड़ू नहीं लगेगा, अगर मैं 8 दिन 10 दिन 15 दिन ना उठूँ तो घर में झाड़ू नहीं लगेगा। दिया है वो फिर भी किसी टाइम देख लेती है और कर देती है, तो उसने अभी कल संडे को उसने फिर भी एक बार झाड़ू लगा दिया था, कोई पोछा नहीं लगेगा, अगर 15 दिन निकल जाए 20 दिन निकल जाए कोई पोछा नहीं लगेगा, कोई फ्रिज साफ़ नहीं करेगा, कोई बर्तन नहीं देखेगा कि कौन से फालतू के बर्तन पड़े हैं, चलो मम्मी ने निकाले नहीं या पूजा ने नहीं निकाले तो हम निकालते। ये कंप्लेंट्स नहीं कर रही मैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं कर रही, मेरा घर है मुझे तरीके से चलाना है, बस वो बता रही हूँ कि ये हर घर में होता है, माँ को बीवी को बहू को सब टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सास ससुर के आगे आप नहीं बोल सकते हो, वो आप समझते हैं, वो बड़े हैं, वो अपना टाइम में कर चुके हैं, तो ये हमारी ड्यूटीज़ हैं कि अब वो रेस्ट करें और हम करें काम। पर जहाँ हस्बैंड की बात है, जहाँ बच्चों की बात है, वहाँ पे अगर कुछ चीज़ें एक घर की लेडी एक्सपेक्ट करती है आपसे तो वो क्या गलत करती है? तो आज थोड़ा सा एक्शन करना पड़ेगा मुझे, आज घर में थोड़ा लार्ज वाला एक्शन होने वाला है, तो दिखाती हूँ आपको कि आज क्या हुआ और कल उसका क्या रिज़ल्ट हुआ। अच्छा नहीं लगता ना ये सब करना, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ घर की लेडी, और फिर कई बार लगता है ना आप घर में ही तो होते हो, बट पता क्या होता है, जब शरीर साथ नहीं देता ना, शरीर में कुछ वीकनेस आ जाती है, तब आपको लगता है कि यार मतलब मैं अकेली ही क्यों हर चीज़ देखूँ, मुझे यहाँ पे जाला दिख रहा है, क्या किसी और को नहीं दिखता? ये मेरा ही काम है कि मैं जाले देखूँ, मैं जाले उतारूँ, बोल बोल के उतरवाऊँ, आपको दिख रहा है जाला है, आप कर दो ना साफ, मेरा उसके लिए एप्लीकेशन लेटर थोड़ी देना पड़ेगा या मेरे से पूछना थोड़ी पड़ेगा? अगर आपको दिख रहा है जाला है, आपको दिख रहा है गंदगी है, तो आप साफ कर दो ना। हमारे घर में बहुत ज़्यादा ख़राब होगी है, ये चीज़ें सही करनी पड़ेगी। चलिए मैं ज़रा अपना दिमाग चला लूँ और नहा के आऊँ सबसे पहले, फिर ये कपड़े भी तय लगाने हैं। नहाने जाने से पहले बाथरूम में टंगे वो जो मंदिर का सामान धोया था वो टंगा, अभी भी टंगा हुआ था, तो वो पहले सुखाया है बाहर बैल्कनी में, तो घर थोड़ा गंदा लग रहा था तो मैंने सोचा पहले सफाई कर लेती हूँ। तो अभी बच्चों का कमरा हो चुका है, ये ड्राइंग रूम मैंने कर दिया सारा साफ, किचन कर रही हूँ, बस किचन में अभी पोछा लगाया है, मैं पैर से ही पोछा लगा पाती हूँ क्योंकि नीचे बैठ के तो मुझसे लगता ही नहीं है, तो बस इसी तरीके से ऐसे घुसा घुसा के सब जगह पे पोछा लगाती हूँ। काम वाली लगा सकती हूँ, बट काम वाली का ना काम करने का तरीका मुझे पसंद नहीं आता, ये सफाई वगैरह वो लोग ढंग से नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको अगर क्रिकेट दिख भी जाए तो वो कभी भी वापस दोबारा से पोछा नहीं लगाते, हम तो दो दो तीन तीन बार लगाते हैं। अभी बाथरूम धोना रह गया और ये बैल्कनी धोनी रह गई, 2-4 मिनट बैठूंगी, थोड़ी सी कमर को रेस्ट दूंगी, मम्मी गीले पे आ गई है, वापस से पोछा लगाना पड़ेगा, आई 2-4 मिनट का रेस्ट करके कमर सीधी करूँगी थोड़ा बैठ के, उसके बाद यहाँ जहाँ पैर छप गए वापस से एक बार पोछा लगा के फिर सीधा बाथरूम में घुस जाऊँगी, बैल्कनी धोऊंगी और बाथरूम धोऊंगी, और अब सीधा नहा के ही निकलूँगी क्योंकि बैंगन भुने पड़े हैं, सिर्फ तड़का लगाना है तो तड़का तो कभी लग जाएगा। घर एक बार साफ हो जाता है ना तो ऐसे तसल्ली सी लगती है, ऐसा लगता है जैसे हमने खुद साबुन लगा लगा के नहा लिया है, जबकि मुझे इतने से तसल्ली होती नहीं है, पर अब मुझसे होता नहीं है। मेरी क्या आदत थी कि जैसे झाड़ू पोछा मैं खुद ही करती थी शुरू से, मुझे बहुत रेयर ही काम वाली का पसंद आता था, पर बीच में जब ये ऑपरेशन हुआ इतने सालों में, ये जब ऑपरेशन हुआ तब फिर मुझे लगानी पड़ी सफाई वाली,
बट वो था कि वो लड़की बहुत अच्छी थी, कुसुम, आपने देखा ही है कुसुम को, कुसुम अच्छी थी, उसको जैसा समझाओ जैसा बताओ वो वैसा कर देती थी, तो मुझे उसके साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो होता है कि भाई हफ्ते 10 दिन में एक बार इन लोगों से भी थोड़ी बहुत मथापच्ची हो जाती है, बट ठीक है कर देती थी अच्छे से। बट जब मैं खुद करती हूँ ना, तो कोई चीज़ अगर हिला नहीं पाती, उठा नहीं पाती, अच्छे से सफाई नहीं कर पाती, कभी कभार होता है कि आगे आगे से करनी होती है, बट कभी कभार ऐसा लगता है कि चलो आज फुर्सत है, काम ज़्यादा नहीं है, तो चलो सामान हटा हटा के अच्छे से कर दो। अब जिस दिन से समझो कि ये काम हुआ है घर का, उसके बाद फ्रिज वहाँ खड़ा किया है ना, तो आज तक फ्रिज को मैंने हिलाया नहीं है, तो नीचे सोचो कितनी गंदगी हो चुकी होगी, क्योंकि मेरे से हिलेगा ही नहीं इतना बड़ा फ्रिज। ये वाला जो स्टैंड है फ्रिज के साथ, ये वाला स्टैंड मैं फिर भी कभी कभार निकाल के साफ़ कर देती हूँ नीचे से जगह, बट स्टैंड की हालत देखो कितनी गंदी हो रही है, इसको ही धुलवाना है एक बार। वही है ना, कर लेती हूँ मैं जोश जोश में और बाद में फंस जाती हूँ, इसीलिए बस इसी वजह से आज मैं इरिटेटेड हूँ, क्योंकि आज समझिए कि जिस दिन गणपति गए थे, तो गणपति जिस दिन गए थे उस दिन तो रात थी, तो उसके बाद अगले दिन कुछ नहीं हुआ, कोई सफाई नहीं हुई, तो 1 तारीख को दिया ने झाड़ू लगाया था संडे को, उसके बाद से अब तक देखो 4 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, और पोछा तो लगा ही नहीं है बीच में, बस गणपति जितने दिन थे तब मेरी तबीयत खराब थी, तो एक बार वो भी समृद्ध से मैंने लगवाया था शायद, एक दिन मतलब झाड़ू उसने लगाया था, पोछा मैंने लगाया था, या मैं झाड़ू उसने लगाया था और पोछा दिया ने लगाया था, ऐसा कुछ किया था, तो घर की सफाई भी नहीं होगी। चलो अभी तो खाली झाड़ू पोछे की बात करूँ, डस्टिंग भी तो ज़रूरी है ना, ऊपर की झाड़ पोछ चलो एक दिन छोड़ दोगे, 2 दिन छोड़ दोगे, 3रे दिन तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतनी मिट्टी आ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जैसे सुबह उठ के आप पहले आ रहे हो, बाथरूम जा रहे हो, पानी आपको प्रेशर कम लग रहा है, मोटर चला दो, करना कुछ नहीं, स्विच ऑन और ऑफ ही करना है, नहीं वो भी बोलना पड़ता है, बर्तन वो सुबह धो के चली जाती है 7:30-8 बजे, आप किचन में आए हो, चाय बना रहे हो, चाय बनाते हुए वहाँ चाय रख के आप यहाँ बैठ के मोबाइल चला सकते हो, तो आप वहाँ पे पड़े हुए बर्तनों को भी तो संभाल सकते हो। ऊपर के जो बर्तन है वो मुझसे नहीं चढ़ाए जाते, मुझे फट्टा लगाना पड़ता है या फिर समृद्ध से रखवाने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, कोई खुद से इनिशिएटिव नहीं लेता इन चीज़ों के लिए। अब जिस दिन से पौधे लगे हैं, आप विश्वास मानोगे उसके बाद सिर्फ एक बार पानी डाला है मैंने, क्योंकि मैं सीढ़ियाँ चढ़ उतर नहीं सकती, यहाँ से बाल्टी लेके नहीं जा सकती पानी डालने के लिए, मुझे जग भर भर के लेके जाने पड़ते हैं, तो मुझे 3-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो पौधे बेचारे सूख गए पर किसी ने पानी नहीं डाला। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इनका आप ध्यान नहीं रख सकते तो क्या फ़ायदा एक फैमिली का, एक साथ रहने का। हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है ना, अगर बाय चांस मैं ना हूँ तो, अगर मैं बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं हूँ, मैं दुनिया में ही नहीं हूँ, फिर क्या करोगे, फिर तो ये एक दूसरे का सिर फाड़ते रहेंगे, या तो फिर घर बिल्कुल बिल्कुल कूड़ा घर हो जाएगा, कोई एक जिम्मेदारी उठाएगा नहीं और मिलके ये उठाएंगे नहीं, ऐसे नहीं होता ना। घर चलाने के लिए सिर्फ एक कमा के लाना काफ़ी नहीं होता, घर को सजाना संवारना सहेजना पड़ता है, तरीके से चलाना पड़ता है, कई चीज़ें ना रियलिटी हम वीडियो में नहीं दिखा सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है, फैमिली फाउंडेशंस हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हमें हाइड करनी पड़ती हैं। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ घर में सुबह उठते ही हो जाती है कि आप सुबह से कलप रहे होते हो, गुस्सा हो रहे होते हो, बट वीडियो में हंसना पड़ता है, हेलो गुड मॉर्निंग, आप दिखाई नहीं सकते ना वो चीज़, क्योंकि पता नहीं देखने वाले ने सुबह सुबह क्या झेला है। तो वो कहेगा यार ये स्यापा तो मेरे घर में डला हुआ है, मैं तुम्हें क्या देखूँ। बस छोटी चीज़ें हैं बट कई बार ना अटक जाती हैं कहीं ना कहीं आके, ना कहते हैं ना हाथी निकल जाता है पूँछ फंस जाती है, वो पूँछ फंसी हुई है आज मेरे दिमाग में कि अब नहीं। क्यों, पहले क्या होता था, पेन उठती थी ना, अगर कभी कमर में खिंच पड़ गई तो पेन उठी ना, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगता था। 1 हफ्ते में भी ये होता था कि दिया की दिन की जॉब थी तो दिया मैनेज कर लेती थी, अपना सुबह उठती थी, शाम को आके भी झाड़ू पोछा कर देती थी, समृद्ध घर में होता था तो सफाई कर देता था, कुछ बर्तन बुर्तन संभाल देता था, दोनों मिलके कर लेते थे। उसके पापा को तो तब भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा बस खाना बनाने में उनका इंटरेस्ट है, तो वो कभी कभार खाना बना देते थे, इसके अलावा उनको घर के कामों में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। अब लड़की है दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि मम्मी अगर नहीं कर पा रही है तो वही देख सकती है, बाकी लोग भी तो है, कपड़े पहनते उतारते वो भी हैं, बर्तन वो भी यूज़ करते हैं, हर चीज़ है, टॉयलेट भी यूज़ करते हैं, वॉश बेसिन भी यूज़ करते हैं, तो गंदगी तो सब जगह सभी कर रहे हैं ना, तो एक जन की जिम्मेदारी क्यों होगी सफाई करने की, इसीलिए आज डंडा लगाना था। चलिए यार कमर सीधी करते करते बहुत भड़ास निकाल ली मैंने, अरे तो भड़ास ही तो निकाल रही हूँ और क्या कर रही हूँ, सामने तो बोल नहीं पाती इन लोगों के, क्योंकि घर में तूफान आ जाता है, सारे के सारे एक साथ शुरू हो जाते हैं, एक साथ मतलब
आमने सामने की बहस तो मैं कर ही नहीं सकती, अब मेरे बस की नहीं है। इधर से कोई कुछ बोलेगा, उधर से कोई कुछ बोलेगा, चारों बराबर के हो गए ना। पहले बच्चे थे, छोटे थे, तो वो बोलते नहीं थे सामने से, अब क्या, अब चारों बराबर के, पापा कुछ बोल रहे हैं, बेटा कुछ बोल रहा है, बेटी कुछ बोल रही है, मैं कुछ और बोल रही हूँ। तूफान आ जाता है घर के अंदर, भूकंप आ जाता है। कल भूकंप आया था ना, वैसे ही, वो तो 5.5 था, यहाँ पे तो 7.8 हो जाएगा। चलिए, बस यही होता है आप लोगों से बात करके ना, मैं कितनी भी टेंशन में हूँ, कितना भी मूड खराब हो, कुछ भी हो, आप लोगों से बात करके मेरा सब लाइट हो जाता है। चलिए यार, निपटाऊँ इस काम को भी, बैठी रह जाऊँगी ना, तो देखो 3 तो बज ही गए हैं, सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। 4:30 बज चुके हैं, अब मेरा काम ख़त्म हुआ है। देखिए, बाथरूम भी धो दिया, बैल्कनी का जो पोर्शन है वो भी धो दिया, और कोको वहाँ सुसु करता है ना, तो कई बार क्या होता है, कोई नोटिस नहीं करता और वाइपर नहीं मारता, तो वहाँ पे सुसु सारा इकट्ठा हो जाता है कॉर्नर पे, तो पीले पीले दाग हो गए थे फिर से पत्थर पे, तो अभी रेड हार्पिक डाल के फिर से रगड़ा है, मैं ही चमक गई हूँ, इतना रगड़ा घर, पूरा क्लीन किया है, थक गए। अब बस जूस बनाने जा रही हूँ, वो एक सैंडविच जो बच्चों ने छोड़ा था वो ये रहा, वो खाने लगी हूँ, साथ में जूस पीती हूँ। 3 घंटे में अब पानी पिया है मैंने, 3 घंटे से लगातार सफाई में लगी हुई थी, अभी भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रिज सामने है बिल्कुल, और बहुत गंदा हो रहा है, रैक गंदा हो रहा है, इवन ये जो गैस का होल कर आया था उस दिन, तब से लेकर अब तक मशीन भी नहीं हटाई पीछे, वो पूरा ब्लॉक गिरा हुआ है, तो जब भी पानी डालो ना, तो थोड़ा थोड़ा सीमेंट चूना रेता जो है वो सक के आ जाता है, तो एक बार मशीन हटा के पूरा साफ़ करना पड़ेगा, वहाँ से जितना गंदा निकालना पड़ेगा, पर अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। और ये भी काम मैं कैसे कर पा रही हूँ कि मैंने सुबह जब चाय पी थी, चाय के बाद मैंने पहले एक पेन किलर खाई है, उसके बावजूद भी अभी भी मुझे हल्का 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 पेन चालू है, और अगर गोली ना खाई होती तो फिर मेरा क्या हाल होता, आप सोच के देखो। आ रही हूँ अंदर, थोड़ी देर लेटूंगी, क्योंकि अब मैं उठूँगी सीधा 5:30 बजे, ताकि सीधा सब्जी बनाऊँ और दिया के टिफिन की प्रिपरेशन करके, और फिर जाके लेट जाऊँ, तो बैंगन का भरता और एक दाल, दोनों चीज़ें एक साथ बना दूँगी, थोड़े से छोले भी पड़े हुए हैं, मिक्स करके सब लग जाएगा। चलिए, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको। जिस बार पानी हटा चुकी हूँ यहाँ से, फिर पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ये पाइप यूज़ करती हूँ ना, इस पाइप का जो नोज़ल है ना, वो लीक कर रहा है, ठीक कराना है। कपड़े तह लगा के मैंने रख दिए हैं, वनीता आज यही 4 बर्तन मांझ के गई है, क्योंकि बर्तन ही नहीं थे, और अभी समृद्ध आया, उसको छोले चावल गर्म करके दिए हैं। अब भाई साहब से पूछते हैं कि उन्होंने, हाँ जी, व्हाट्सएप चेक कर लिया, व्हाट इज़ योर डिसीजन, क्या काम करोगे, चलो फिर ये खा लो, और सबसे पहले जाके नीचे सीढ़ियों में, पौधों में पानी डाल के आओ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, और बाहर मनी प्लांट में भी, मुझे खुद बता देना आप क्या क्या काम करोगे, क्योंकि एक एक सिर्फ पानी भरने का काम है आपका बॉटल्स का, और नीचे पौधों को पानी डालने का काम है आपसे, वो भी नहीं होता क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और अपने जोड़ीदार को भी बता देना। एक पे तो असर हुआ है थोड़ा सा, देखिए पानी डालने गया है, पौधों में पानी डालने के लिए गया, और क्या लेके गया, एक लोटा और 5-6 गमले। एक नंबर लग गया, अब ये कितने दिन असर रहेगा ये नहीं पता, बट आज तो हो गया काम, अब कल से देखते हैं कौन अपने आप से काम करता है। बाकी 2 लोग अभी हैं जिनसे अभी मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है मैसेज के बाद, दिखाती हूँ उनके भी जवाब। क्या मस्त मसाला बना है, मुझे ना बैंगन के भरते में थोड़ा मसाला ओवर अच्छा लगता है, ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है, तो मसाला तो मेरा रेडी है, थोड़े से टमाटर और गल जाएँ फिर भरता डालती हूँ, पर ना एक दिक्कत है यार, ऊपर से बैंगन को देखने से क्यों नहीं पता चल पाता कि अंदर बीज कितने। अब ये क्या, ये थोड़े से बीज जो दिख रहे हैं ना, देखिए इसके चक्कर में ना साहब को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि साहब को बीज वाला बैंगन का भरता अच्छा नहीं लगता, तो अगर ये बीज इस भरते को कंप्लीट करने के बाद दिखाई दिए तो साहब के नखरे शुरू हो जाएंगे, उनको बीज वाला भरता पसंद नहीं है। दिया और मैं तो खा लेते हैं, और समृद्ध का तो मैंने आपको पहले बताया कि वो तो खाएगा नहीं, तो फिर उसके लिए कुछ अलग बनेगा, या तो मैं भी खाएगा, या तो दाल बनाऊंगी, पर मेरे को ना दाल बनाना ना यूज़लेस लग रहा है, क्योंकि अगर मैं दाल बनाऊंगी ना तो ये भरता कोई नहीं खाएगा, तो दाल के साथ चावल बनेंगे तो दाल चावल ही कन्वीनियंटली खा लेंगे, फिर आज से रोटी नहीं बनेगी, और रोटी बने हुए मेरे को 2 दिन हो गए, रोटी नहीं बनती हमारे घर में यार, वैसे तो रात को ना बने तो चलेगा, और पूरा पूरा दिन हो जाता है। मैं अपने लिए तो स्पेशली कुछ बनाना पसंद नहीं करती, मैं तो ब्रेड खा के खुश हूँ, क्योंकि दांतों की भी प्रॉब्लम है ना।
और आप लोगों ने इतने दिनों में देखा होगा मेरी डाइट कितनी कम है, कितनी कम। दिन में दो बार खाती हूँ, उसमें भी कोशिश करती हूँ कि ब्रेड खा लूँ, चपाती में बिल्कुल बिल्कुल कम खाती हूँ, बिल्कुल कम, एक या डेढ़ चपाती खाती हूँ अगर कभी खाई तो। चावल भी मैं इतने से लेती हूँ, सिर्फ इतने से, और वो भी मुझसे पूरे नहीं खाए जाते, कल भी यही हुआ। तो मेरा वेट कम नहीं होता, क्या करूँ, बॉडी ना पूरी बेकार होती है। हवा पे और पानी भी नहीं इतना पीती यार मैं, बस ये हवा खाती हूँ, हवा पे ही मैं जी रही हूँ और हवा पे ही जीते जीते देख लो ये हाल हो गया मेरा, क्या ही करूँ, समझ ही नहीं आता। चलिए मसाला मेरा हो गया, बैंगन भून लेती हूँ इसमें डाल के। ओए लंगू महाराज जा रहे हैं, कुछ भी बोल दो ना, मुँह सीख जाता है अभी, इसका मुँह सीख जाता है, कोई बात नहीं भाई, मेरी भी बात सुनने वाला कोई चाहिए ना मुझे, मैं दीवारों पे थोड़ी मार सिर मारती रहूँगी सारा दिन। अभी एक को हुआ, अभी तो दो और हैं। चाय बन रही है और भरता बन चुका, खड़े खड़े में काम हो जाता है ना, मज़ा आ जाता है देखिए। और अभी हम करेंगे इसको टेस्ट ब्रेड के साथ। यू नो अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूँ, ब्रेड खा के जीता हूँ, ऊपर आ गया कितनी डाउन क्लीन बोल्ड, पर वो कितने दिन के लिए असर रहेगा मुझे नहीं पता, आज के लिए तो हो गया। अभी साहब अंदर आए हैं और मैं कपड़े सुखा दे रही, आए अंदर आके किचन में घुस गए, किचन में जो समेटा समाटी करने भी बर्तन धुले हुए पड़े थे तो समेट दिए, सारा शेल्फ क्लीन कर दिया। एक दो दिन तो असर रहेगा पर उसके बाद फिर रिमाइंडर देना पड़ेगा। तो दो पिकेट तो डाउन हो चुकी हैं, अब ये उठेगी, देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता। मैं रिएक्शन कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि आपको बताया ना, इनसे मैं अभी भी बात नहीं कर रही हूँ, समृद्ध का तो मैंने आपको दिखा दिया था, ये उठेगी तब तो दिखाऊंगी। हाँ जी, तो मैं अब आई हूँ किचन में, तकरीबन 9 बजे का टाइम हो रहा है, नहीं 9 बजे का नहीं 8 बजे का टाइम है। तो मैं ये सोच रही थी कि जो आलू उबले हुए रखे हैं उससे समृद्ध के लिए क्या बनाऊं, क्योंकि मेरे घर के दो बंदे ऐसे हैं जिनके लिए मुझे वो आलू यूज़ करने हैं, एक तो कोको और एक समृद्ध। समृद्ध के लिए अगर पराठे बनाती हूँ तो कोको के लिए कुछ नहीं रहेगा, और अगर कोको को पूरे दे देती हूँ तो समृद्ध के लिए कुछ नहीं रहेगा। वैसे तो उसने मुझे बोला है कि अगर कुछ नहीं होगा तो मैं मैगी खा लूँगा, पर मैगी नहीं देना चाहती मैं उसको। तो मैं सोच रही हूँ उबले हुए आलूओं का यूज़ ये करती हूँ कि सब्जी बना देती हूँ, समृद्ध को भी हो जाएगी और वही सब्जी में रोटी डाल के कोको को भी दे दूँगी। समृद्ध कह रही थी समृद्ध को भी हो जाएगी और कोको को भी हो जाएगी। तो चलिए उबले हुए आलू का मसाला बनाते हैं और ड्राई सब्जी बना देते हैं ताकि दोनों के लिए हो जाए, आती हूँ मैं लेके। लीजिए पलक झपकते ही दूसरी सब्जी भी तैयार है, भरता भी तैयार है। अब थोड़ा सा तो दही खाना ही पड़ेगा, तो मैं सोच रही हूँ पकौड़ी का थोड़ा सा रायता डाल लेती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा पतला पतला सा। मुझे पता, मैं आपको बता रही थी कि रात को दही है, इन दिनों में खाने से गला पकड़ा जाता है, पर सूखी सब्जी होती है ना तो थोड़ा दही रायता ये चीज़ें होती हैं तो अच्छे से खाया जाता है। हालत ख़राब है, खाना बन गया, दोनों की सब्जियां बन गई, हमारी भी मैगी थी मम्मी, पसीने से पूरी नहाई हुई है मैं। वैसे वेदर चेंज हो गया है पर घर के अंदर बहुत गर्मी है, बाहर सुबह शाम की ठंडा। तो चलिए दिया उठ चुकी है, तो एज़ यूजुअल मुझे उसके ड्रेस और ये और वो सब देखना होगा। टिफ़िन मैं पैक करके आ चुकी हूँ, पापा भी आए हुए हैं मैंने बताया था, तो आज वो खुश हो गए हैं कि खाना टाइम से मिल गया, जबकि मेरे को यही होता है दाल चावल बने होते हैं तो सबको परोस के खाने होते हैं, तो फुलके आज बने हैं तो वो ज़्यादा एक्साइटेड है, तो वो भी खाना खा रहे हैं और दिया का भी टिफिन पैक है। और मैंने सबकी चपातियाँ बना के रख दी, जितना आटा था ना सब बना दिया, और फिर एंड में देखूँगी क्या बचता है, नहीं तो फिर मेरा मूड है आज खिचड़ी खाने का, खुद के लिए मैं खिचड़ी बना लूँगी। तो अब मैं कब ठीक होगी ये खांसी, तो चलिए गुड बाय कर लेते हैं। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, होपफुली कल का दिन और अच्छा निकले और कुछ असर रहे लोगों पे जो मैंने गोली चलाई है उसका, देखते हैं। अभी दिया अब उठी है तो अब दिया का ब्लास्ट अभी होगा, अगर तो कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं रिकॉर्ड करके ऐड कर दूँगी, और अगर नहीं ठंडा रहा तो फिर ठीक है यार, चलते हैं। गुड बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, वेदर बहुत ख़राब हो रहा है, और अभी मैंने आज ही सुना है कि कुछ कोविड के केसेस और बढ़ रहे हैं दिल्ली में, तो प्लीज़ ध्यान से सेफ्टी के साथ चलें और अपना पूरा ध्यान रखें, हमें फिर से कोविड से फाइट करना नहीं है, बिल्कुल नहीं हमें कोविड को बढ़ने देना है। तो
बहुत ध्यान से अपने आप को केयरफुली रखें। तो चलिए कल मिलते हैं फिर। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय।